एमएक्स मास्टर 3। इस माउस की बैटरी लाइफ है 70 डेज से भी ज्यादा एंड 1000 लाइंस को ये एक बार में स्क्रॉल करता है। सारी बटन कस्टमाइजेबल है, तो आज हम इसी पे बात करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको दे दूं अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस एंड मैं आपको फिर बताऊंगा ये आपको परचेस करना चाहिए कि नहीं, क्योंकि मेरे को यूज करते हुए 25 डेज से भी ज्यादा हो गए थे। तो आपके अंदर भी क्वेश्चन होगा कि मैंने इसे क्यों परचेस किया इतने महंगे माउस को जो कि 7500 रुपए का है। तो आपको भी पता होगा मैंने ले लिया है मैकबुक, जैसे कि तो मैकबुक की ट्रैक पैड तो आपको ही पता होगा कि बहुत ही ऑसम है, बट मेरे को बचपन से ही मन था कि MX Master 3 कभी मैं माउस लूं और मैं उसे यूज करूं। और मेरा मैक्सिमम काम वीडियो एडिटिंग ही का होता है, मुझे ऐसा माउस चाहिए था जो कि मेरे को वीडियो एडिटिंग में टाइम लगती है उसे कम कर दे। तो मैं इसी वजह से परचेस किया MX Master 3 को। जैसा कि मैं Logitech का बहुत पहले से यूजर रह चुका हूं कि मैं पहले यूज कर रहा था Logitech का B170 एंड उसके बाद मैंने यूज किया कस्टमाइजेबल बटन वाले माउस जो कि Logitech की तरफ से आ जाता है। इसकी मुझे मॉडल नंबर याद नहीं है, आई थिंक ये Logitech M337 है। मैं सारे माउस का डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप जाके परचेज कर लेना। ये जो माउस है ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट माउस है जो कि मैं इसे यूज कर रहा हूँ 2 ईयर से, जो कि मेरे एडिटिंग जर्नी को बहुत ही अलग लेवल पे लेके चला गया, बिकॉज इसके अंदर जो स्क्रॉलिंग बटन है ये कस्टमाइजेबल बटन है। एंड अभी बात कर लेते हैं Logitech MX Master 3 के बारे में। तो आपको अनबॉक्स करने के बाद कुछ ऐसा देखने को मिल जाता है, माउस का बॉक्स Logitech MX Master 3 का यहाँ पे मेंशन किया गया है एंड Logitech MX Master 3 का यहाँ पे पिक्चर दिया गया है जो कि कुछ ऐसा इमेज है। तो ऊपर से सील पैक किया गया है, तो सबसे पहले कर लेते हैं इसे कट। एंड इसकी प्राइसिंग की बात करें दोस्तों, तो मैंने इसे परचेज किया है कुछ एक्स्ट्रा कूपन्स लगा 7300 में, 200 का मुझे ऑफ देखने को मिला, एक कूपन था मेरे पास वो मैंने यूज कर लिया, तो इसे मैंने कट कर लिया है। तो अब इसे करते हैं अनबॉक्स। तो डब्बा को अनबॉक्स करने के बाद मिल जाता है एक और डब्बा जिसके ऊपर ब्लैक कलर से मेंशन किया गया है MX Logitech, जो कि बहुत तगड़ी इसकी पैकिंग लग रही है। तो पहले करते हैं इसे अनबॉक्स यहाँ से फटाक से। तो आपको इतनी प्रीमियम पैकिंग देखने को मिलता है MX Master 3 में, देख सकते हो कितना प्यार से यहाँ पे माउस रखा गया है एंड रिसीवर रखा गया है। तो बॉक्स के अंदर आपको मेनली 3 चीज़ मिलते हैं, तो थर्ड आइटम आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। थर्ड आइटम आपको दिया गया है USB Type-C केबल, जिसकी क्वालिटी गाइज नेक्स्ट लेवल है। आप इसकी क्वालिटी देख सकते हो, अप्रॉक्स 1 मीटर की वायर लेंथ है और Type-C चार्जिंग केबल देखने को आपको मिल रहा है, जो कि बहुत तगड़ी बात है क्योंकि Logitech MX Master 2 में आपको माइक्रो USB देखने को मिलता था। यहाँ पे आपको लॉजी की ब्रांडिंग दिख जाती और वायर को फोल्ड करने के लिए यहाँ पे कुछ क्लैंप मिल जाते हैं जो कि बहुत अच्छी बात है। और आपको कुछ पुस्तकें देखने को मिल जाते हैं। जब माउस की प्राइस है 7500 तो स्पेस की क्या प्राइस होगी दोस्तों। और आपको मिल जाता है एक इनका एड पेपर, इसे भी साइड करते हैं। और अब आते हैं फाइनली हमारे मेन कंटेंट के ऊपर जो कि है Logitech MX Master 3। अगर आप Logitech MX Master 3 परचेज करते हो या MX की कोई भी माउस परचेज करते हो, तो सबसे पहले आपकी उंगलियां जाएंगी स्क्रॉल व्हील के ऊपर और इसे 2-3 बार तो आप नचा के देखोगे ही ये कितना घूमता है। अगर मैं इसे घुमाने बैठूं तो पूरे दिन मैं घुमाता ही रह जाऊंगा, तो इसे फिर रखते हैं साइड में। और आपको मिल जाता है Logitech का यूनिफाइंड रिसीवर जो कि बहुत छोटू सा है एंड इसमें ऑरेंज की कलरिंग की गई है जो कि बहुत अच्छी लग रही है दिखने में। माउस के बैक साइड आपको स्टिकर देखने को मिलेगा, तो फर्स्ट टाइम इसे अनरैप करना होगा आपको, है ना तगड़ी लुक। तो आपको बैक साइड में देखने को मिलता है कुछ ऐसा, 4 पैडिंग दी गई है और यहाँ पे ऑन ऑफ की स्विच देखने को मिलता है और आप इस माउस को 3 डिवाइस में कनेक्ट कर सकते हो, उसके लिए स्विचिंग के लिए यहाँ पे बटन दी गई है और यहाँ पे कुछ LED इंडिकेटर देखने को मिलती है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं बिल्ड क्वालिटी की, तो इसकी बिल्ड क्वालिटी बहुत ही प्रीमियम देखने को मिलता है और आपके हैंड में ये बहुत ही टाइटली फिटेड हो जाता है, इट मीन्स कि ये बहुत ही कम्फर्टेबल है और आप इसे नॉन स्टॉप यूज कर सकते हो, आपके हैंडों में बिल्कुल पेन नहीं होगा। अगर आप नॉर्मल माउस यूज करते हो सस्ती वाली, तो ये माउस देख सकते हो कितना छोटू सा है और ये मेरे हाथों में कैसा फिट हो रहा है आप देख सकते हो। और मैं ये माउस की बात करूं तो ये माउस मेरा पूरे हैंड को फिट कर रहा है, एक एक फिंगर को अपने माउस के पोजीशन के ऊपर रख रहा है, हर फिंगर के पास इसमें कीज दी गई है, तो मेरे को फिटिंग में तो अभी तक कोई इशू देखने को नहीं मिला। जैसे कि पहले वाले माउस को मैंने 25 डेज से यूज कर रखा हूं, तो मेरे को कंफर्ट के मामले में कोई इशू देखने को नहीं मिला। अगर इसकी वेट की बात करें तो ये 140 ग्राम का है, बहुत ही लाइट वेट है, इजी टू कैरी है और इसे ट्रैवलिंग के दौरान आप इजीली लेके जा सकते हो अपने बैगों में। और बात करें बटन्स की, तो बटन्स इसमें भर भर के दिए गए हैं, हर जगह बटन्स दिए गए हैं, ये स्क्रॉलिंग बटन, यहाँ पे 2 बटन्स दिए गए हैं, यहाँ पे भी आपको बटन देखने को मिलता है, जब आप फिंगर ऐसे रखते हो तो इसे आप प्रेस करके गेस्चर बटन बना सकते हो। इस माउस की वैल्यू आप तभी समझोगे जब इस माउस को यूज करोगे गाइज, ये मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, ये मैं सच में बोल रहा हूँ। इस माउस को जब आप हाथों में पकड़ोगे तब आपको पता चलेगा कि 7500 रुपीज आप किस चीज के दे रहे हो, बिकॉज इस माउस में जो कंफर्ट
रिजल्ट आपको मिलता है, जो आपका वर्क फ्लो बढ़ता है, तब आपको पता चलेगा सही जगह पैसे इन्वेस्ट किए हैं। बिकॉज ये मॉस चार्जेबल है और इसके अंदर रैपिड चार्ज भी सपोर्ट होता है। अगर आप इसे 1 आवर चार्ज करते हो तो 3 to 4 आवर इसे मजे उठा सकते हो, जो कि बहुत तगड़ी फीचर लगी। और आप इसे चार्ज करते करते भी यूज कर सकते हो, एप्पल मैजिक मॉस की तरह नहीं कि आप चार्जिंग के दौरान आप यूज नहीं कर सकते। वो मेरे को मैजिक मॉस में बहुत ही बेकार फीचर लगती है। मैं यूज भी कर चुका हूँ मैजिक मॉस एप्पल की 2nd जेन वाली। और स्क्रॉल की बात करें तो ये आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्क्रॉल देखने को मिल जाता है, जो 1000 लाइन एक बार में स्क्रॉल कर लेता है, जो कि इसकी बहुत तगड़ी फीचर है। और स्क्रॉल को कस्टमाइज करने के लिए यहाँ पे बटन दिया गया है। अगर आप इसे बटन को प्रेस करते हो टिक 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 करके स्क्रॉल होता है एंड, और फिर अगर आप इसे टैप करते हो तो ये ऐसा स्क्रॉल होगा जैसे बाइकों में एक्सीलेटर होता है, वैसे ही इस मॉस में स्क्रॉल दिया गया है। मेरे को इस मॉस में स्क्रॉल बहुत ही तगड़ी फीचर लगती है। एंड सेकंड ये लगती है कि ये टाइमलाइन स्क्रॉल करने के लिए दिया गया है, ये स्पेशली प्रोफेशनल लोगों के लिए मॉस बनाया गया है। इसी के लिए इसे वर्ल्ड का प्रोफेशनल मॉस बोला जाता है। बड़े बड़े प्रोफेशनल लोग इसे यूज करते हैं, बड़े बड़े यूट्यूबर यूज करते हैं इसे, बिकॉज ये वीडियो एडिटिंग में बहुत तगड़ा रोल प्ले करता है। मैं बेसिकली वीडियो एडिटर हूँ तो मैंने इसे इसीलिए परचेस किया है, जो कि मेरा वर्क फ्लो और भी ज्यादा बढ़ जाए, क्योंकि मैं नॉर्मल मॉस यूज कर करके बोर हो चुका था और मेरे को चाहिए था एक तगड़ा मॉस, जो कि मेरे को मिला MX Master 3। ये मेरे कामों को पूरा चेंज कर दिया। और मैं अपना वर्क एक्सपीरियंस बताऊं एज अ वीडियो एडिटर, तो मेरे को वीडियो एडिट करने के टाइम बहुत टाइम बचाता है ये मॉस, बिकॉज इसके अंदर टाइमलाइन स्क्रॉल की बटन दी गई है, ये मेरे को बहुत तगड़ी फीचर लगती है। और बात करें इस मॉस के सॉफ्टवेयर की, तो आपको इसमें लॉजी ऑप्शन करके एक सॉफ्टवेयर आता है, उसे आप इंस्टॉल करना पड़ेगा अपने मैक के अंदर या अपने विंडोज लैपटॉप के अंदर। उसके बाद आप इसे कनेक्ट करने के बाद कुछ आपको ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो जैसे कि मेरे पास लॉजिटेक के 2 माउस है, तो दोनों यहाँ पे दिख रहा है। इसे मैं लॉजिटेक MX Master 3 पे क्लिक करूंगा, उसके बाद आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। और आप ये देख सकते हो एक एक बटन को आप कस्टमाइज कर सकते हो। मैं प्रीमियर प्रो में अलग कस्टमाइज कर रखा हूँ, इसे क्यू, इसे डब्ल्यू, एंड इस बटन को मैंने गेस्चर बटन बना रखा है। और आपको ये बटन गेस्चर बटन देखने को मिल जाता है, जो कि आपके वर्क फ्लो को और बढ़ा देता है। बात करें इस बटन की, तो इस बटन से आप टाइमलाइन स्क्रॉल कर सकते हो। अगर मैं राइट की तरफ इसे स्क्रॉल करूंगा तो राइट तरफ मेरा टाइमलाइन स्क्रॉल होगा, एंड लेफ्ट की तरफ करूंगा तो लेफ्ट की तरफ टाइमलाइन स्क्रॉल होगा, जो कि बहुत तगड़ी फीचर दी गई है लॉजिटेक MX Master 3 में, जो कि मेरे को बहुत ही बेस्ट लगा। एंड अगर बात करें फाइनल कंक्लूजन की, जब इस मॉस को आप परचेज करोगे तब आपको पता चलेगा इस मॉस के लिए आपको इतने चार्ज क्यों देने पड़े हैं। इस मॉस को यूज करने के बाद आपको वर्क फ्लो काफी ज्यादा बढ़ रहा है, मेरे साथ ऐसा हो चुका है, इसी के लिए मैं आपको बता रहा हूं। और लास्टली बात कर ले तो गेमर भाई, आप निराश हो जाओगे, ये मॉस आपके लिए बिल्कुल नहीं बनाया गया, बिकॉज पॉलिंग रेट इसमें 125 Hz दी गई है और गेमर भाइयों के लिए चाहिए 1000 Hz, जो कि इस मॉस में नहीं दी गई है। लॉजिटेक में गेमिंग मॉस भी बहुत सारे आते हैं, आप उसे परचेज कर सकते हो। एंड ये मॉस सिर्फ प्रोफेशनल लोगों के लिए बनाया गया है, जो कि वीडियो एडिटर हैं, ग्राफिक डिजाइनर हैं, एंड बहुत सारे चीज आप इस मॉस के थ्रू कर सकते हो। जब आप इस मॉस को परचेज करोगे तब आप इस मॉस को यूज करोगे, बहुत ही ज्यादा हैप्पी होने वाले हो लिटरली, जैसा कि मेरे साथ हुआ। जब मैं परचेज कर रहा था तो मेरे को लगा मेरा पैसा वेस्ट ना हो जाए, बट जब से मैं इस मॉस पे शिफ्ट हुआ हूँ तब से गाइज ऐसा हुआ है कि मुझे ये सस्ते मॉस पसंद ही नहीं आते, मैं इस मॉस को यूज ही नहीं कर पाता, क्योंकि ये कुछ ना स्क्रॉल होता है ना कुछ ज़्यादा कस्टमाइजेबल बटन दिया गया है। इस मॉस में आपको तो सारे कस्टमाइजेबल बटन मिल जाते हैं, जो कि बहुत सही चीज़ है, इसी के लिए ये इतना कॉस्टली हो जाता है, जो कि वर्थ इट है मेरे हिसाब से। तो अगर आप इस मॉस को परचेज करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से आप परचेज कर सकते हो। और इस वीडियो के लिए इतना ही, आई नो ये वीडियो शॉर्ट है, एंड इस मॉस में बताने के लिए इतना ही मेन फीचर था वो मैं बताया हूँ। एंड मैं एक वीडियो और लाने वाला हूँ लॉन्ग टर्म रिव्यू का, उसके लिए आप वेट कर सकते हो। उसमें मैं सारी चीजें कवर करूंगा और आपके साथ शेयर करूंगा कि इस मॉस में आप क्या क्या कस्टमाइज कर सकते हो अलग अलग एप्लीकेशन के थ्रू, उस पर मैं बात करूंगा। सो आज के लिए इतना ही, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो चैनल को कर देना सब्सक्राइब एंड वीडियो को कर देना लाइक। टाटा बाय बाय।